फिर से आपका स्वागत है हमारे डिजिटल डूंगरपुर के विशेष कार्यक्रम आज के मेहमान। और आज के मेहमान एक ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में मैं जितना बताऊं उतना बहुत ही कम है। सोशल मीडिया, जैसा कि हम जानते हैं, जो आज के मेहमान हैं हमारे श्री मेहुल चौबीसा जी। मेहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए, क्योंकि आजकल आप बहुत ही सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कोई अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, मिसयूज़ भी करते हैं। लेकिन ये जो बंदा मेरे पास खड़ा है जिनका कि नाम है मेहुल चौबीसा, आज अगर डूंगरपुर में हम बात करें, डूंगरपुर की मैं तो कहूँ कि पूरे बागड़ की बात करें, तो सोशल मीडिया पे वैसे बहुत सारे लोग वीडियोज़ बनाते रहते हैं, कुछ जोक थे कुछ है, लेकिन मेहुल जी ने जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, न सिर्फ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप, ये जो टूल्स हैं उसका तो यूज़ किया है, लेकिन शॉर्ट फिल्म बनाए उन्होंने, वो मुझे बहुत ही उससे मैं कहीं के बहुत आकर्षित हुआ, और जिसके कारण आज मैंने मेहुल जी को बुलाया है। मेहुल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे डिजिटल डूंगरपुर के कार्यक्रम में। ये बताइए कि सोशल मीडिया का महत्व आप कितना मानते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत महत्व है सोशल मीडिया को, अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए जी सर, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है इंसान को। हर चीज़ में सोशल मीडिया काम आता है। आज मोदी जी भी इसका मतलब, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मोदी जी जैसे पॉलिटिशियन हैं बड़े बड़े, वो इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि प्रिंट मीडिया और ये जो डिजिटल मीडिया है उससे ज़्यादा पावर सोशल मीडिया का है। अभी आपने देखा होगा एक गरीब ढाबे वाला जो बाबा का ढाबा जो वायरल हुआ, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया विद इन 24 घंटे में। तो ये सोशल मीडिया का पावर है, इसलिए सोशल मीडिया तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है अगर आप पॉजिटिव तरीके से उसे यूज में। बिल्कुल सही कहा। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी जो फर्स्ट इलेक्शन जीता था उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका थी, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। मैं कहते हैं ना कि कोई अगर कुछ चीज़ अगर मिलती है, जैसे कि कोरोना के बारे में हम बातचीत करेंगे, तो कोरोना एक आपदा जरूर आई, लेकिन आपदा ने कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इसको दोस्तों अवसर में बदला। उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेहुल जी, और जिस तरह लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट शुरू किए, लाइव प्रोग्राम्स किए, उन सब के बारे में मेहुल जी मैं अब चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, खास करके युवा दोस्तों को बताएं कि कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया है, जो आपने लाइव इंटरव्यूज़ किए, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी हस्तियों का भी आपने इंटरव्यूज़ किए, कैसे आइडिया आया आपको? आइडिया तो ऐसा था कि डिजिटल क्रिएटर मैंने लगा रखा है, मैंने इंस्टाग्राम पर कैटेगरी जो मेरी है। डिजिटल क्रिएटर वो होता है जो वीडियो भी क्रिएट करता है जी, और डिजिटल तरीके से क्रिएटिविटी बताता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी क्रिएटिविटी बताता है जी। तो उस तरीके से मैंने शुरू किया कि मैं कुछ क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ डूंगरपुर में रहकर। अभी ये पूरा समय मिला है 4 महीने का, जितना भी कुछ लॉकडाउन का। तो होली के बाद मैं यहाँ आ गया था डूंगरपुर जी, बांसवाड़ा मेरी बीएड चल रही थी। होली के बाद से फिर मैंने ट्राई किया कि मैं सेलेब से बात करूँ। मेरे दिमाग में अचानक आया कि मैं सेलेब से बात करूँ और उनसे जाने कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितना स्ट्रगल हुआ, कैसे पहुँचे, क्या कुछ उन्होंने मेहनत की, कितना हार्डवर्क किया। तो उनसे बात हुई, कुछ एक राज़ी हो गए, तो फिर एक सिलसिला चलता गया जी। और बस ये कारवाई इस तरह चला, और उसके बाद में सेलेब्स का हो गया। उसके बाद में जैसे जैसे लोगों को पता पड़ने लगा डूंगरपुर में कि ये लड़का सेलेब्स से बात करता है जी, तो न्यूज़पेपर वालों ने मुझसे मांगा कि आप अपना मेंटर भेजिए, क्या आप क्या कर रहे हैं, यूनिक कुछ कर रहे हैं आप जी। तो फिर मैंने सारा लिख के उनको भेजा और उन्होंने छापा, उससे फिर थोड़ा सम्मान मिला है यहाँ पे डूंगरपुर में, बहुत लोग जानने लगे तो अच्छा लगा। उसके बाद में अभी जैसे YouTube का ट्रेंड बहुत चल रहा था, पहले TikTok का था कि TikTok पे सारे लोग बनाते थे, मैं भी बनाता था जी। लेकिन फिर वो चाइनीज ऐप है तो बैन हो गया, तो गवर्नमेंट के सरकार का जो नियम है उसकी पालना करनी है हमें। तो फिर मैंने सोचा कि YouTube जो है वो सबसे बड़ा आज प्लेटफॉर्म मानते हैं वीडियो के मामले में, तो उस पर मैं कुछ यूनिक करूँ। तो यहाँ पे डूंगरपुर में सिनेमा का इतना माहौल नहीं है जी, लोग एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन वो उतना कर नहीं पा रहे जी, जी। एक्टर भी हैं बहुत अच्छे लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा कि शॉर्ट मूवीज़ बनाकर सिलसिला शुरू करें। तो उसके बाद में शॉर्ट मूवी बनाई, उलझन बनाई, जिसमें एक लड़के की कहानी है जो परिवार का सपने अलग हैं, परिवार चाहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करे और वो चाहता है कि वो कुछ और बड़ा करे।
इस उलझन को फिर मैंने खुद को ही अंदर इन्वॉल्व कर लिया कहानी में, मेरे भी चीज़ें बता दी मैंने जी। इस तरह से उलझन एक मोटिवेशन मोटिवेशनल मूवी बनाई हमने जी। उसके बाद में अभी नेक्स्ट आ रही है 100 थ्रिलर मूवी है जी जी। और अभी उसके बाद में और कॉमेडी और सारी तरह की मूवी हम बनाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस हम जुड़ेंगे। दोस्तों तो वेलकम बैक टू डिजिटल डूंगरपुर के हमारे विशेष कार्यक्रम, आज के मेहमान, और आज के हमारे मेहमान हैं हमारे युवा कलाकार क्रिएटर, जिन्हें मैं बेहतर इस तरीके से जानना चाहूँगा, मेहुल चोबिसा जी। मेहुल जी एक छोटे से गांव से हैं, गोठड़ा करके आसपुर के पास गांव है, लेकिन वहाँ से उठ के जिस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं तो उनको एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा, बहुत अच्छे इनोवेशंस भी कह सकते हैं, बहुत ही एक से एक बढ़ के। अगर आप इनकी फेसबुक पे जाएंगे, उनके व्हाट्सएप पे जाएंगे, इनके इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आई थिंक यू हैव गॉट मोर देन 7000 राइट। इंस्टाग्राम पे 7000 या 8000 विद इन 3-4 महीने में मेहुल ने किया है। उससे पहले कविताएं लिखते थे, ये सब चीज़ें करते थे, बीएड भी कर रहे हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ पर्सनालिटी है मेहुल। तो मेहुल जी ये बताइए कि ये जो शॉर्ट फिल्म जो आप बनाते हैं, उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं? इंस्टाग्राम पे डालते हैं कुछ, और भी आपके पास तरीके हैं? शॉर्ट मूवी का एक बार तो पूरी बना लेते हैं हम, पूरी कंप्लीट हो जाती है, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को बताते हैं कि हम ये शॉर्ट मूवी ला रहे हैं। पहले हम नहीं बताते क्योंकि बाय चांस कोई आगे कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से काम रुक जाए, तो मूवी होने के बाद में हम पोस्टर रिलीज़ करते हैं, उसके कुछ दिन बाद टीज़र रिलीज़ करते हैं। तो पोस्टर जो होता है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब जगह हम फैला देते हैं, और मेरे साथ जितनी टीम है, जितने भी लोग हमारे दो फ्रेंड्स जितने भी हैं उस मूवी से रिलेटेड हो चाहे कितने भी हो, वो सब भी अपने अपने सोशल अकाउंट पे और चढ़ाते रहते हैं, उससे क्या ऑडियंस ज़्यादा मिल जाती है हमें। उसके बाद में टीज़र अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, उसका भी प्रमोशन पहले से ही 7 दिन पहले से ही हम कर लेते हैं कि टीज़र आ रहा है, टीज़र आ रहा है, टीज़र पर अच्छे खासे व्यूज मिल जाते हैं। उसके बाद टीज़र के 7-8 दिन बाद हम मूवी अपलोड कर देते हैं, तो इससे क्या एक चैन बन जाती है, पोस्टर फिर टीज़र फिर मूवी, तो लोग कनेक्ट रहते हैं जी। तो इस तरह से मार्केटिंग अच्छी से हो जाती है, और उसके बाद में कुछ अच्छा अगर पब्लिक तक पहुँचाने के लिए अच्छा है, जैसे उलझन में मोटिवेशन था तो मैंने न्यूज़पेपर्स को पहुंचाया था बात की भाई इस तरह की मूवी आ रही है, तो उन्होंने सपोर्ट किया था, इस तरह से भी मार्केटिंग हो जाती है। मैम जी, यू स्टार्टेड योर कैरियर एज ए पोइटर, कवि के रूप में आपने शुरू किया था, लेकिन अभी सोशल मीडिया में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये जो आपका कवि है वो कहीं ना कहीं बैठ गया है कि कवि जिंदा है? नहीं, कवि जिंदा है, जैसा मैंने कहा डिजिटल क्रिएटर, तो क्रिएटर होता है वो कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकता है, चाहे वो लेखन में हो, चाहे निर्देशन में हो, चाहे एक्टिंग में हो, अभिनेता में करो या कुछ भी काम कर सकता है क्रिएटिव। मैंने इंटरव्यूज भी लिए अभी बीच में सेलिब्रिटी के लिए और पॉलिटिशियन के भी लिए, सर का लिया था, चेयरमैन सर का, गुप्ता जी का, और राज्यसभा सांसद जी का भी लिया था, हर्षवर्धन सिंह जी का, और इस तरह से अभी डॉक्टर्स का कुछ मेरे पास आया है, ब्लॉग ने मुझे कहा है कि डॉक्टर्स की भी लेने हैं तो उनका भी लेंगे। तो ये सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं कि हर कुछ काम है जो इंसान जो है वो ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो बस ये करना है बस जी, कुछ सब कुछ कर देना जी। शुरुआत आपने बहुत ही अच्छी की है, और कहते हैं कि कोई काम की शुरुआत अच्छी होती है तो आधा काम वैसे ही हो जाता है जी। तो आप आगे की क्या योजना है, आप सोशल मीडिया में रहेंगे आपको या फिर गो फॉर द बिग स्क्रीन ऑल्सो? बिग स्क्रीन जाने का ख्वाब तो है, पर इसकी सीढ़ियाँ धीरे धीरे चलेंगे, अभी थोड़ी स्पीड स्लो है मंजिल तक पहुँचने की, तो जैसे जैसे गियर बदलेंगे वैसे वैसे पहुँचेंगे मंजिल तक, और जाना तो है कुछ बड़ा, तो ईश्वर ने भेजा है दुनिया में कुछ करने के लिए, तो फिर कुछ करके जाए ऐसा है जी। हमारे यहाँ के लोगों में मैंने देखा है कि एक तो होमसिक बहुत रहती है, बिल्कुल, और किसी एक चीज़ को फिर जैसे बीएड कर लिया, ये कर लिया, सरकारी नौकरी में चले गए, तो उसके बाद सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि इसके दो पॉजिटिव पॉइंट हैं, और हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया इसमें समा गई है जी। तो युवाओं के लिए, क्योंकि बहुत सारे युवा जो होते हैं कुछ अजीब अजीब से मैसेज डालते रहते हैं, तो सोशल मीडिया कितना कारगर है हमारे करियर बिल्डिंग के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, उसके बारे युवाओं को और ख़ास करके जो आपके फॉलोअर्स, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सोशल मीडिया का पावर इतना ज़्यादा है कि कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है इंसान की पूरी लाइफ बदल सकता है सोशल मीडिया जी। अभी टिकटॉक पे देखा एक डांसर है गरीब, जिसकी झोपड़ी है सिर्फ झोपड़ी, और वो डांस कर रहा है
टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कर रहा था, वो टिकटॉक वीडियो पहुंच गया रेमोन डिसूजा और ये टेरेंस लुइस के पास जी, जी, जी। तो वो उन्होंने उनको ऑफर दे दिया कि भाई आप डीआईडी में आइए और आपका अब उसकी लाइफ चेंज एक ही वीडियो से। तो ये सोशल मीडिया का पावर है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। और दूसरे जो अनर्गल मैसेज जो यूथ करता है, चाहे वो जॉक्स हो या किसी भी तरह का कुछ भी फालतू चीज़ें हो, इस चीज़ से वो सिर्फ डाइवर्ट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। अगर सोशल मीडिया को सही उपयोग में लिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मैं पोइट्री लिख रहा था तो पोइट्री भी मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा कर रहा था, स्टेज वगैरह कम, बाकी सोशल मीडिया पर लाइव और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहा था। इससे लोगों तक जल्दी पहुँचते हैं और स्टेज वगैरह तो हालांकि हो ही रहे, सोशल मीडिया तो बेस्ट बेस्ट है। तो दोस्तों ये थे मेहुल जी, और आपका यही कहना है कि सोशल मीडिया के जितने वैसे फ़ायदे ही ज़्यादा है, ये बात अलग है कि लोग इसका मिसयूज़ करके कुछ चीज़ें गलत भी होती है, जिसके कारण बहुत मरतबा हम उससे दूर भी रहने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम मेहुल जी से मिलेंगे, बात करेंगे कोरोना के बारे में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। अभिनंदन, वेलकम बैक टू डिजिटल के हमारे विशेष कार्यक्रम। आज के मेहमान और आज के मेहमान हैं हमारे उभरते हुए इनोवेटर, मैं कहूँगा सोशल मीडिया के, मेहुल चौबीसा जी। आइए मेहुल जी बैठते हैं। और आप जानते हैं कि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कोरोना, COVID-19। और आप सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े हुए हैं और आपके द्वारा जो भी मैसेज आएगा दैट विल गो टू 1000 and 1050। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए? एक मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, कोरोना से डरो ना। मैं कहता हूँ कोरोना से डरो, क्योंकि जब तक डरोगे नहीं तब तक बच नहीं पाओगे। डर के जीना सीखना पड़ेगा अभी कोरोना के साथ हमें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यार कोरोना है, कहाँ हो जाएगा मुझे, ये हो जाएगा। अभी हमने देखा, किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बैंक के अपने एक कर्मचारी थे अपने यहाँ SBI के जी, उनका मास्क नहीं पहन रहे थे, उनका यही कहना था कि कहाँ से कोरोना हो जाएगा मुझे। और इतने दिन घर में रहे, छुट्टियाँ मनाई, वर्क फ्रॉम होम, फिर भी कोरोना हो गया। अमिताभ बच्चन साहब कोरोना की एड कर रहे हैं जी, जी। इतना सब कुछ समझा रहे हैं कोरोना के बारे में, उन्हें भी कोरोना हो गया। अमित शाह आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करा उन्होंने, उन्हें भी कोरोना हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं। एक और एग्जाम्पल मेरे सामने, बहुत सारे लोग आपके जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं दे थिंक के नहीं, हम तो जवान हैं, ये है वो है। उसेन बोल्ट को हो गया, उसेन बोल्ट जो कि 100 मीटर्स में इज द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ, या उनको भी हो गया, तो फिर हर किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोरोना जो है वो बहुत भयंकर चीज़ है, इससे बचना ज़रूरी है और मास्क तो लगाना ही है और उसके सैनिटाइजर का यूज़ चाहे आप कम करें कोई बात नहीं, लेकिन साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। और सैनिटाइजर जैसे कहते हैं कि अल्कोहल ज़्यादा है तो थोड़ा कैंसर की, स्किन कैंसर की भी वो रहती है। तो मास्क और हैंड वॉश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने लोग आपके माध्यम से, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी को यही कि कोरोना से डरो और डर के घर में बैठे रहो, जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं तब तक बाहर नहीं जाना। मेहुल जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपने कहा कि काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और फ्यूचर लिए उनके लिए भी कुछ ना कुछ चांसेस या अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और क्या कुछ करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सको आपके साथ में, और उसको आप रोज़गार के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? रोज़गार के साथ YouTube जो है, YouTube पैसा भी, इनकम भी देता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं यूथ को चाहता हूँ कि यूथ जितना भी है वो मेरे साथ जुड़े, और जिसके अंदर जो भी टैलेंट है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम दिखाएंगे। मैं जैसे सीरीज चला रहा था लाइव स्ट्रीमिंग विद सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटीज़ की मैंने 56 से कुछ एपिसोड किए थे, मुझे 60 करने हैं, 60 करके मैं रोक दूंगा। और उसके साथ में मैंने एक सीरीज दूसरी चलाई, स्पेशल लाइव विद स्पेशल टैलेंट, जिसमें मैंने डूंगरपुर से जो स्केच आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, उनका मैंने 2-3 इंटरव्यू उनके भी लिए, तो उनको उनको भी एक तरह से स्टेज मिल गया, प्रमोशन मिल गया। तो मैं चाहता हूँ यूथ मेरे साथ जुड़े। और रोजगार की जहाँ तक बात है, अगर आप एक बार चमक जाते हैं, एक बार चमक जाते हैं, जैसे डांस में कोई बंदा डांस कर रहा है, अगर वो चमक जाता है उसके लिए स्टेज खुले हैं, उसको इन्विटेशन आएगा ही आएगा।
देर से ही सही, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एकेडमी बुलाएंगी, कहीं ना कहीं वेडिंग्स के वे आजकल बहुत खर्चा करने लग गए हैं लोग, वेडिंग्स में भी इवेंट्स बहुत, हाँ, बहुत करते हैं। अगर कोई होस्ट है जैसे एंकरिंग, मैं भी जैसे एंकरिंग करता हूँ, वेडिंग एंकरिंग वगैरह सारी, तो ये इससे भी इनकम हो ही रहा है। और बड़ा अगर कुछ करना है तो उसके लिए इंडस्ट्री पड़ी है जी, और अपना अपने तरीके से ऑडिशन देते रहें और बहुत कुछ हो सकता है करने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये थे मेहुल चौबीसा जी। मेहुल जी मालूम नहीं, पता नहीं आप बताना चाहें कि नहीं बताना चाहें, फिर भी अगर आप फेसबुक पे और आपका जो इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो अगर बताएं तो कुछ लोग और आपको फॉलो कर सकते जी, मैं अगर आपको ठीक लगता है जी बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर आपका मेहुल नाम से मेरी आईडी है, स्मॉल लेटर में ही है, AAPKAMEHUL। और फेसबुक पर भी मेहुल चौबीसा नाम से आईडी है, और पेज जो है मेरा फेसबुक पे वो भी आपका मेहुल नाम से, ट्विटर पर भी आपका मेहुल है, सब जगह आपका मेहुल नाम से मेरा सोशल मीडिया का जो अकाउंट है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन माय प्रोग्राम। तो दोस्तों ये थे मेहुल चौबीसा जी। सोशल मीडिया से किस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं, सोशल मीडिया से किस तरह से इनोवेशंस किया जा सकता है, सोशल मीडिया को किस तरह से ब्रेड एंड बटर के लिए मतलब सोर्स बनाया सकता है, इसका बेस्ट उदाहरण है मेहुल चौबीसा जी। तो अगर आप भी सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए ज़रूर, लेकिन अच्छे कामों के लिए कीजिए। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, और एक बार फिर से मेहुल जी आपका आज एग्ज़ाम है ऑनलाइन 11:30, उसके बावजूद भी आप हमारे बीच में आए और युवा दोस्तों को, हमारे डूंगरपुर के लोगों को आपने जो जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। और बस इसी तरह से बढ़ते रहें, चढ़ते रहें।